हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन जो आपके हैं उनका सल्फोनेशन, तो किस तरीके से देखिए सल्फोनेशन होगा, कहां कहां सल्फोनेशन होगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये है आपका सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। कोई भी एल्केन हो उनका सल्फोनेशन किस तरीके से होगा इसके बारे में आपको देखना। तो पहले तो आप ये देखें कि सल्फोनेशन कौन कौन से एल्केन्स देते हैं। जो लोअर एल्केन्स हैं उनमें सल्फोनेशन देखने को नहीं मिलेगा। जो आपके हायर एल्केन्स हैं, हायर एल्केन्स में जिनमें कार्बन आपके C6 से मिनिमम कार्बन आपके 6 हो या 6 से आपके अबव कुछ भी हो, उनमें ये आपका सल्फोनेशन होगा। और बाकी लेस देन 6 वाले कार्बन में ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए यार सल्फोनेशन क्या है आपका, किसकी किसी प्रेजेंस में होगा। तो ये हमारे एल्केन्स हैं, ऐसे एल्केन लेने हैं जिनमें कार्बन हमारे 6 हो या मोर देन 6 हो, 6 कार्बन और मोर देन 6 कार्बन या तो 6 हो या फिर मोर देन 6 हो। और इनका यदि हम जो है सल्फ्यूरिक एसिड, ह्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ह्यूमिक लिखा हो या SO3 प्लस H2SO4 लिखा हो और या फिर ओलियम लिखा हो H2S2O7, इसे बोलते हैं ओलियम। यदि इनमें से किसी की द्वारा रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा आपका सल्फोनो एल्केन फॉर्म होगा। ये मिलेगा आपका सल्फोनो एल्केन या इसी को हम बोलेंगे एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड, ये फॉर्म होगा आपका। और ये रिएक्शन हमारी कराई सल्फोनेशन। तो यहां पर ध्यान रखने योग्य बात ये है, ये एल्केन का जो सल्फोनेशन होगा वो हमेशा कार्बन मिनिमम 6 होने चाहिए या मोर देन 6 होने चाहिए, मतलब 6 से यदि बिलो कार्बन से हैं तो उसमें आपकी रिएक्शन नहीं होगी। और दूसरी बात, इसमें फ्यूमिंग H2SO4 हो या SO3 प्लस H2SO4 हो या ओलियम लिखा हो तो हमारा हमेशा सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन में सल्फोनो एल्केन फॉर्म होगी या उन्हीं को बोलेंगे एल्केन सल्फोनिक एसिड। अब चलिए जरा देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन हमारी होगी। जैसे कोई भी हमने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल जैसे 6 कार्बन वाला हेक्जेन ले लिया, हेक्जेन आप जानते हैं C6H14 है, इसकी रिएक्शन हुई आपकी सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने ब्रेक करके लिख दिया HO और SO3H, और ये जो रिएक्शन होगी ये हमारी हाई टेम्परेचर करीब 450, किसी किसी बुक्स में आपका 500 भी लिखा होता है, तो 500 या 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इतना पार्ट, इसको C6H40 जो लिखा है इसके एक H को हम इस तरीके से 13 कर दें और यहाँ पर H कर दें, ये इतना पार्ट आपका बाहर हो जाएगा ऐसे वाटर, और ये सल्फोनो ग्रुप यहाँ आएगा, तब मिलेगा आपका C6H13 सिंगल बॉन्ड SO3H और प्लस होगा आपका H2। ये जो फॉर्म हुआ ये कहलाएगा आपका हेक्सेन, हेक्सेन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, या इसे कह सकते हैं आप सल्फोनो हेक्सेन, सल्फोनो हेक्सेन। तो आपने इसमें देखा कि टेम्परेचर इसमें यही होगा 450 और डिग्री सेंटीग्रेड में, और इसके बाद इसकी रिएक्शन हमारी H2SO4 फ्यूमिन के साथ, इसके नीचे आपका फ्यूमिन लिखा होगा या फ्यूमिन ना दिया हो, इनमें से कोई हो तब भी हमारा सल्फोनेशन है। तो यहाँ से एल्केन से एक एच और सल्फोनो ग्रुप जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वहां से एक OH मिलकर के H2 बना देगा और पूरा SO3H जो है सल्फोनो ग्रुप ये एच की प्लेस पर आ जाएगा, तब मिलेगा C6H13 SO4 SO3H और प्लस वाटर आउट होगा, इसी को बोलेंगे हम हेक्सेन सल्फोनिक एसिड या सल्फोनो हेक्सेन। और देखिए जैसे हमने मोर देन 6 कार्बन ले लिए, मोर देन 6 कार्बन में जैसे हेप्टेन ले लिया
ऑक्टेन लेने हैं, कोई भी एल्केन हो, ऐसा एल्केन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन हमारे कैसे होंगे, नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वो आपके 6 से ज्यादा होंगे, मोर देन 6 लेना है हमेशा आपको। तो चलिए देखते हैं आगे। अब जैसे हेप्टेन हमने लिया, हेप्टेन ये होगा, तो हेप्टेन में कार नंबर ऑफ कार्बन हमारे 7 होते हैं, 7 कार्बन सब लिए लिए, C7 हो जाएगा और S16, तो S16 को हमने लिख दिया S15 सिंगल बॉन्ड H, ये आपका हेप्टेन। इसकी रिएक्शन होगी सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये लिया आपने HO सिंगल बॉन्ड SO3H, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो यहाँ से H और ये OH मिलके वाटर बना देगा, सल्फोनो ग्रुप पूरा अटैच होकर क्या देगा C7H15 सिंगल बॉन्ड SO3H और प्लस H2, ये मिला आपका सल्फोनो हेप्टेन, सल्फोनो हेप्टेन, या इसका सेकंड नेम लिखेंगे आप हेप्टेन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो ये था हमारा सल्फोनेशन ऑफ एल्केन, कहीं पर कोई भी एल्केन हो यदि उसका सल्फोनेशन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमेशा आपको क्या फॉर्म होगा सल्फोनो एल्केन या एल्केन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा। तो ये हुआ आपका सल्फोनेशन ऑफ एल्केन, तो क्लियर हुआ। अब इसी में कोई भी जैसे ऑक्टेन ले लिया तो ऑक्टेन का भी इसी तरह आप कर लेंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट।